नमस्कार, हमारे चैनल ऑप्टिमम हेल्थ एंड लाइफस्टाइल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बादाम अपने असीम स्वास्थ्य लाभों के लिए जाना जाता है। बादाम में आवश्यक विटामिन और मिनरल होते हैं, जैसे कि विटामिन ई, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक और साथ में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी। आपने अपने घर के बड़े बुजुर्गों से कभी न कभार तो ये सुना ही होगा कि जब भी बादाम खाएं तो उन्हें भिगोकर ही खाएं। बादाम इसलिए भिगोकर खाने को बोला जाता है क्योंकि इसके छिलके के अंदर एक केमिकल कंपोनेंट होता है जिसे कि बोला जाता है टैनिन। टैनिन बादाम के अंदर जितने भी पोषक तत्व होते हैं उन्हें अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होने देता हमारे शरीर में, जिसकी वजह से हमें बादाम खाने के पूरे फायदे नहीं मिल पाते। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि आपको कितने बादाम कब और कैसे और किस समय खाने चाहिए ताकि आपको उनका पूरा फायदा मिल सके। तो कृपया इस वीडियो को एंड तक तो जरूर देखें। तो आइए सबसे पहले भीगे हुए बादाम रोजाना खाने के कुछ फायदों के बारे में जान लेते हैं। जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन में प्रकाशित एक क्लिनिकल रिसर्च के अनुसार भीगे बादामों के अंदर बहुत सारे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो कि हमारे HDL कोलेस्ट्रॉल लेवल यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल को ऑक्सीडाइज होने से रोकते हैं। बादाम के ये गुण दिल को स्वस्थ रखने में और हमारे हृदय प्रणाली को नुकसान और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। तो कोई भी व्यक्ति जो कि हार्ट कंडीशन से करेंटली गुजर रहा है उसे भीगे हुए बादाम अपने आहार में जरूर शामिल करने चाहिए। भीगे बादाम खाने का दूसरा फायदा होता है कि इससे एक व्यक्ति का हाई ब्लड प्रेशर नियंत्रण में रहता है। बादाम ब्लड प्रेशर के लिए भी बहुत अच्छे माने गए हैं। एक अध्ययन के अनुसार वैज्ञानिकों ने पाया था कि बादाम का सेवन करने से ब्लड में अल्फा टोकोफेरोल की मात्रा बढ़ जाती है जो कि रक्तचाप को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होता है। और इसी अध्ययन के माध्यम से यह भी पता चला था कि नियमित रूप से बादाम खाने से एक व्यक्ति का ब्लड प्रेशर नीचे भी लाया जा सकता है और यह 30 से 70 वर्ष की उम्र के बीच के पुरुषों के लिए तो विशेष रूप से प्रभावी है। भीगे बादाम खाने का तीसरा फायदा है कि यह हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को बहुत ज्यादा कंट्रोल करने में सहायक है। हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या हमारे देश में सबसे आम बीमारियों में से एक बनती जा रही है। हाई कोलेस्ट्रॉल हृदय रोग और दिल की धमनियों में रुकावट समेत कई प्रकार के रोगों का एक बड़ा कारण है। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए बादाम आपकी बहुत ज्यादा मदद कर सकता है। बादाम शरीर में अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाने में और खराब कोलेस्ट्रॉल LDL के स्तर को कम करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। भीगे बादाम खाने का चौथा फायदा है कि इससे हमारी पाचन क्रिया बेहतर बनती है। जर्नल ऑफ फूड साइंस में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया है कि भीगे कच्चे बादाम खाने से पेट जल्दी साफ होता है और इसमें मौजूद प्रोटीन भी अच्छे से पच जाता है। बादाम का छिलका निकल जाने से उसमें मौजूद एंजाइम अलग हो जाते हैं और इसी वजह से फैट तोड़ने में भी आसानी होती है। ऐसे में पाचन क्रिया और पोषक तत्वों का अवशोषण आसान हो जाता है। भीगे बादाम खाने का पांचवा फायदा है कि इससे एक व्यक्ति को वजन घटाने में भी बहुत ज्यादा मदद मिलती है। भीगे बादामों के अंदर भरपूर मात्रा में मोनोसैचुरेटेड फैट्स पाए जाते हैं। ये फैट्स आपकी भूख को रोकने और आपके पेट को भरा होने का महसूस कराने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। और जब एक व्यक्ति पूरे दिन में कम खाना खाता है तो इससे उसका ज्यादा फैट बर्न हो पाता है और वो आसानी से अपने वजन को कम कर पाता है। और भीगे बादाम खाने का आखिरी फायदा है कि ये बच्चों की मेंटल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा कारगर माने गए हैं। जितनी भी महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उन्हें भीगे बादामों को रोज जरूर खाना चाहिए। इससे उनके बच्चे को जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। और बाकी जितने भी दूसरे बच्चे हैं जो कि अभी ग्रोइंग एज में हैं और पढ़ते लिखते हैं, अगर वो भी रोजाना भीगे हुए बादाम खाएंगे तो ऐसा करने से उनके ब्रेन और मेमोरी पावर बढ़ेगी और उनकी याददाश्त में भी बढ़ोतरी होती है। तो दोस्तों, अब आप जान गए हैं कि एक साधारण से दिखने वाले बादाम में कितने सारे पोषक तत्व और फायदे होते हैं। आइए अब जानते हैं कि आपको रोजाना कितने बादाम खाने हैं और इनको खाने की सही प्रक्रिया क्या है। आपको 5 बादाम ले लेने हैं और रात को इन्हें किसी भी मिट्टी या फिर चीनी मिट्टी के बर्तन में 1 गिलास पानी के साथ भीगने के लिए छोड़ देना है। सुबह उठकर खाने से पहले इनके छिलकों को छील लें और फिर इन बादाम को खाली पेट अच्छे से चबाकर खाएं। इन्हें खाने के करीब आधे घंटे तक पानी ना पिएं। अगर आप रोजाना ऐसा करेंगे तो आपको सारे फायदे मिलेंगे जिसके के बारे में अभी हमने जाना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। बाकी अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स के जरिए आप उन्हें मुझसे पूछ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें ताकि उन तक भी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि आप तक और ज्यादा इंटरेक्टिव एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आती रहें। तो अपनी सेहत का ध्यान रखिए। हम अगली महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आपको जल्दी वापस मिलेंगे।
तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।